तो भाई आज हम करेंगे अपनी बाइक की सर्विस। सर्विस पहले इसकी करी हमने रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन इसको हो गए 14 साल बाइक को। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका टैंक क्लीन। ये पेंट है जो ये रिमूव हो रहा है, ये देखो, ये टैंक क्लीन करना है। फिर इसका अंदर का पंप क्लीन करेंगे, उसके बाद इसका रेडिएटर फ्लश करेंगे, रेडिएटर क्लीन करेंगे, क्लीन करके फिर कूलेंट डालेंगे। उसके बाद फिर आपका ये होगा इंजन, इंजन फ्लश करेंगे, इंजन फ्लश करेंगे हम हेयरपिन के तेल से। और ये इसमें हमने LED इंस्टॉल करी थी, तो ये रबड़ भी इंस्टॉल करनी है, ये कटिंग करके होंगी एडजस्ट। और जो इसके लिए हमें वो चाहिए टूल्स, बस बॉडी के लिए तो एक यही, हाँ LM की, 4 नंबर की LM की और 10 नंबर की T। इन दोनों से पूरी बाइक खुल जाएगी मोस्टली, जितनी साइड के कवर हैं, टैंक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बाइक गई हमारी पूरी खुल। खोलने के बाद हमें पता चला है कि ये जो हमारा कूलिंग फैन होता है ना, ये इसकी वायर कट हुई पड़ी है यहाँ से। तो कूलिंग फैन की वायर को दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा हमें। उसके लिए हमें रेडिएटर भी खोलना पड़ेगा, फिर जाके इसकी कूलिंग फैन की वायर कनेक्ट करेंगे और कूलेंट। ये भी रेडिएटर भी क्लीन करना है, रेडिएटर हम करेंगे पहले, तो वैसे क्लीन करेंगे नॉर्मल वाटर से, उसके बाद हमने स्टीमर कर लिया है, उसके बाद करेंगे स्टीमिंग करके क्लीन। सबसे पहले हम करेंगे टैंक क्लीनिंग। ये देखो, ये रेड रेड जितना भी पड़ा ना पेंट है इसके अंदर। सारी क्लीनिंग होगी इसके अच्छे से, उसके बाद इसको बंद करेंगे। पहले करेंगे हम फ्यूल पंप की क्लीनिंग। इसमें क्लीनिंग में कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हवा से क्लीन कर देंगे, एयर से क्लीन करेंगे इसको। इसमें जो ये फिल्टर है इसको अच्छे से एयर से क्लीन करना है। चलो करते हैं इसको। ये जितना भी अंदर का, ये अंदर पेंट है ना, ये रेड जितना भी है, इसको सारे को हमें रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो ये बार बार पेट्रोल फिलिंग जब भी होएगी तो इसके अंदर पेंट जाएगा ही जाएगा। इसको हम पेट्रोल या थिनर किसी से भी क्लीन कर सकते हैं। पहले इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद पंप लगा के दोबारा से क्लोज कर देंगे इस टैंक को, फिर टैंक का काम अपना कम्प्लीट है। ये हो गया अपना पेट्रोल टैंक क्लियर। क्या हो गया आपका बाहर से, कभी भी पेंट करवाओ तो फिर इसके अंदर कराना नहीं चाहिए।
ये हो गया अपना फिल्टर क्लीन। फिल्टर क्लीन तब तक करना है जब तक के इसमें से कचरा निकलता जाए, तब तक क्लीन करते रहना। जब तक इसमें कचरा निकलेगा तब तक इसमें पेट्रोल से क्लीनिंग करते रहना है। अब ये देखो, अब हमारा फिल्टर क्लीन है। तो अपना पेट्रोल टैंक का तो काम हो गया पूरा, अंदर से क्लीनिंग भी हो गई, ऊपर से पेंट था वो भी रिमूव कर चुके हैं, और इसका जो फिल्टर था वो भी क्लीन कर दिया है। अब प्रॉब्लम है जो इसका फ़ैन नहीं चल रहा है अंदर, यहाँ से ये रहा, इसकी वायरिंग कट हुई पड़ी है। वायरिंग को इसको कनेक्ट करेंगे, दोबारा से कनेक्शन करेंगे इसका। उसके लिए हमें ये रेडिएटर खोलना पड़ेगा, और यहाँ से पूरा रेडिएटर उतारना पड़ेगा। ये रेडिएटर उतारने के बाद फ़ैन के कनेक्शन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे फिर इसके रेडिएटर की क्लीनिंग, फ्लश भी करना है इसको। तो अब रेडिएटर निकालने के लिए सबसे पहले हमें कूलेंट निकालना पड़ेगा। कूलेंट निकलेगा इसके ड्रेन पॉइंट से ही रहा, ये 10 नंबर का टी लगेगा यहाँ पे, इसको यहाँ से कूलेंट निकलेगा। निकालते हैं, स्पीड से तब निकलेगा जब इसका हम ऊपर से कैप ओपन कर देंगे। टू फिफ्टी एम एल के अराउंड था इसमें, ये 300 मार टोटल। इसमें भी कचरा है, नहीं ये बोतल में था। अब इसको फ्लश कैसे करेंगे, हम हॉट वाटर से करेंगे, स्टीम से। जितना भी इसके अंदर जो बचा हुआ जो गंद होगा या कुछ भी होगा सब इसके अंदर ही निकल आएगा। अब रेडिएटर रिमूव करने के लिए इनलेट और आउटलेट, अब इसका रेडिएटर निकालने के लिए सबसे पहले ये तो ऐसे निकल जाएगा, ये लूज़ करने पड़ेंगे, और 10 नंबर की टी से ये वाला नट और ये नट दोनों
खोलने पड़ेंगे। ओपन कर रखे मैंने पहले ही ऑलरेडी। और इसको उस साइड पुश करना पड़ेगा। ये उतार लिया हमने रेडिएटर। ये जो वायर है ये कट है और ये हमें कनेक्शन करना है इसके इस प्लग के अंदर। पहले इसकी क्लीनिंग करेंगे उसके बाद हम इसको वायर कनेक्ट करेंगे। कर दी अब ये करेंगे हम कनेक्शन पूरा दिखा नीचे तक इसका करेंगे हम कनेक्शन। ब्लैक का ब्लैक में अब इसका खोलेंगे रेडिएटर स्टोरेज बॉक्स। इसमें रेडिएटर रहता है नीचे आपका। इसके लिए यहाँ से एक 10 नंबर का नट यहाँ से खुलेगा ये यहाँ से और उसके बाद 10 नंबर का यहाँ से खुलेगा ये खुल रहा है जो। फिर ये बॉक्स निकलेगा बाहर इसकी क्लीनिंग करेंगे। कितना कचरा है अब इसकी क्लीनिंग करेंगे अंदर से फिर उसके बाद यहां से फुल एक बार क्लीनिंग करेंगे पीछे से लेंगे। कूलेंट बॉक्स की क्लीनिंग हो गई है इसकी वापस लगा दिया है सेट कर दिया है। अब रेडिएटर की फिटिंग करते हैं। नॉर्मल वाटर डाला है हमने नॉर्मल वाटर डाला है इसको। नॉर्मल वाटर से एक बार फ्लश करना है इसको हमने। एक बार तो मिनिमम करना ही करना है। दो बार करो या 3 बार करो वो पानी देखेंगे कितनी गंदगी रहती है इसके अंदर। मतलब साफ पानी जब तक नहीं आता तब तक इसको ड्रेन आउट करते रहेंगे पानी को बार बार। बंद कर दें। कचरा ऐसे एक दो बार और करेंगे फिर कूलेंट डालना है। अब इसमें सेकेंड टाइम वाटर ड्रेन आउट करेंगे।
एकदम क्लीन है। अब इसको क्लीनिंग हो गई है, अब कूलर डालने के लिए रेडी है। रेडिएटर के फैन का कनेक्शन तो कर दिया है बट इसका फैन अभी चल नहीं रहा है। हम बाइक स्टार्ट करी बट फैन नहीं चल रहा है अभी, लेकिन जब हम इसका सेंसर निकाल के चेक करेंगे तो चल गया है। और सेंसर वापस लगाते हैं इसका हीट होने पे ही हो सकता है इसके ऊपर कार्बन वार्बन या फिर जम गया हो कुछ, उसको क्लीनिंग करेंगे इसकी हम। ये देखो इसके ऊपर जम ही रहा है कुछ, इसकी क्लीनिंग करेंगे एक बार फिर इसको चेक करके देखेंगे। सेंसर हमने क्लीन कर लिया इसका, और अब चेक करते हैं एक बार इसका सेंसर ठीक है या नहीं है। चाबी ऑन करी, अब इस पर हम हीट करके देखेंगे इसको, अगर ये हीट करने चल गया, अभी फैन चल गया, इसका मतलब सेंसर हमारा ठीक है। अब पूरे इसको हम वापस बंद करेंगे और उसमें आप कूलेंट डालेंगे। अब इसको बंद करेंगे दोबारा से क्लीन करके एक बार, इसको फिर से क्लीन करके सेंसर हमारा ओके है और फैन हमारा वर्किंग में है। हाँ नंबर की चाबी से इसको कस लेंगे हम। इंजन ऑयल के लिए पहले हमें चाहिए 19 नंबर का पाना, और 19 नंबर के पाने से नीचे का नट खोल लेंगे ड्रेन पाइप। अब 8 नंबर की गोटी से खोल लेंगे ये फिल्टर चेंज करने के लिए। इंजन फ्लश करेंगे हम इसका तार पिन ऑयल से। इंजन फ्लश भी आता है लेकिन तार पिन ऑयल ज़्यादा क्लीन करता है, कभी भी किसी को करना हो तो मैं तो हमेशा तार पिन ऑयल रिकमेंड करता हूँ। अगर मैं करता भी हूँ तो मैं तार पिन ऑयल से करता हूँ या फिर डीजल से कर लो, पेट्रोल से कभी मत करना। तार पिन ऑयल हो गया, डीजल हो गया, ये ऑयली होते हैं, लेकिन जो पेट्रोल होता है वो ऑयली नहीं होता, उससे थोड़ा हमारे पार्ट्स कटने की थोड़ी दिक्कत रहती है। और जो इंजन फ्लश रहेगा वो 20 सेकंड या लास्ट 25 सेकंड कर लो, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं करना, 30 सेकंड लास्ट है, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं करना। अभी आगे हम करते हैं इंजन फ्लश, इसको वापस लगा देंगे हम। ड्रेन कैप भी वापस लगा देंगे,
से डालेंगे वो तारपिन 1 लीटर तारपिन ऑयल डालेंगे इसमें। सेकंड से तो बिल्कुल नहीं चलाना है। अब इसका ऑयल हम निकाल लेंगे तारपिन ऑयल, और उसमें जितना भी कचरा होगा ना सब निकले, सब आ जाएगा इसके अंदर ही। 19 नंबर की पाने से खोलना है। इसको कुछ देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ेंगे जब तक हम कूलेंट डालेंगे अपना, कूलेंट का काम कंप्लीट करने के बाद। फिर उसके बाद जब, क्योंकि तारपिन ऑयल है, इसको अच्छे से ड्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको पूरे के पूरा ड्रेन होने देंगे, ड्रेन होने के लिए छोड़ देंगे, इसको सीधी खड़ी कर देंगे जब तक, क्योंकि इसके अंदर धीरे धीरे रह ही जाता है, थोड़ा सा धीरे धीरे अपने आप नीचे आ जाएगा वो। अब इसमें से अप्रोक्स ये देखो, ये 600-700-800 से ज़्यादा आ चुका है, 800 ml से ज़्यादा, थोड़ा सा बिखर भी गया है, तो अप्रोक्स से भी 100 ml है इसके अंदर अभी। वो अपने आप ड्रेन नीचे हो जाएगा, थोड़ी देर तक इसको छोड़ देंगे जब तक हम अपना कूलेंट काम करते हैं। कूलेंट डालते हैं, उसके बाद फिर हम इंजन ऑयल डालेंगे। अब इसकी क्लीनिंग हो चुकी है, अब रिज़ल्ट देखते हैं क्या निकलेगा। देखो कितनी बढ़िया क्लीनिंग हुई है इसकी अपने आप, ये देखो कुछ अब जरूरत ही नहीं है, मतलब बस कपड़ा मारना है और वापस लगाने हैं। क्लीनिंग अपने आप, मतलब जो आपका इंजन फ्लश होता है वो कभी भी इतनी क्लीनिंग नहीं कर पाता जितना ये तारपिन ऑयल लेता है। पर इसका ये है कि इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं देना बिल्कुल भी, बस इसमें ये ध्यान रखना है और कुछ और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। करते हैं इसकी अब सारे पार्ट्स क्लीन करते हैं, उसके बाद डालते हैं। अब एक बार इसमें हम एयर ब्लो करेंगे जो बचा बचा, अब इसमें कूलेंट डालेंगे, इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे पहले, कूलेंट लीक ना करे।
दिखाना यार, खड़ा हो जाना। कूलेंट फुल हो चुका है इसमें। बाकी एक बार स्टार्ट करेंगे तब थोड़ा नीचे बैठेगा तो और फिलअप कर लेंगे। अराउंड अराउंड इसमें आया है हाफ लीटर से थोड़ा कम है, हाफ लीटर से थोड़ा कम है, इतना आया है। कूलेंट डल गया इसका। अब इसके इंजन ऑयल की बारी। इंजन ऑयल डालने से पहले को बताऊँ, जो हमने फ्रेश करा कार पिन ऑयल से, ये पूरा वापस आ गया। थोड़ा सा बिखर चुका है नीचे, नीचे देखो कचरा, ये जितना भी है ना, ये इंजन फ्रेश से कभी भी ना निकलता इतना ज़्यादा। और मैंने जो बोतल में डाला उससे पहले नीचे देखो, ये देखो, ये सब इंजन फ्रेश में आया था। अब डालते हैं इंजन ऑयल। इसको हमने क्लीन कर लिया है, इसको हमेशा 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 ऐसे लगाना है इसको, ये जो कप है अंदर की साइड रहेगा ऐसे, ताकि जो भी हो इसके अंदर स्टोर हो जाए वो कचरा। इसको 19 नंबर पाने से कस लेंगे। सही कसना ताकि लीक ना करे। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें फिल्टर, ऑयल फिल्टर। और हम यूज करने वाले हैं ऑयल मोटुल का 3100 गोल्ड। ऑयल फिल्टर जब भी लगाना है ना, एक साइड से तो होलो है, एक साइड से कवर है, कवर वाली साइड अंदर रखनी है, होलो वाली साइड ऐसे रखनी है। डालने से पहले एक बार इसको थोड़ा सा ल्यूब कर लेंगे। ये रखना है, ये डलेगा ऐसे। उसके बाद जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है, ये भी क्लीन हो चुका है। क्लीन होने के बाद ये लग गया, जो सबसे बड़ा नट है ना वो सबसे आगे की तरफ लगेगा। ये सबसे बड़ा नट है, ये सबसे आगे लगेगा। अब डालेंगे इसमें ऑयल। अपनी हो गई सर्विस कंप्लीट। हेडलाइट की जो सेटिंग थी थोड़ी वो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और हॉर्न के भी एक कटआउट बटन लगाया बीच में, ताकि अगर प्रेशर हॉर्न है अगर पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर यहाँ से कटआउट से बंद कर लो। ये आपकी हेडलाइट देख, ये आपका हो गया हाई बीम, ये लो बीम। लो बीम पे क्या होता है R15 का एक साइड बल्ब चलता है, लेकिन हमने इसमें सेटिंग करी है और दोनों, मतलब लो लाइट में भी दोनों जलेंगे और हाई लाइट में भी दोनों जलेंगे इसके। अब लो लाइट हाई लाइट, लो लाइट हाई लाइट, एक तो ये करा थोड़ी सी मॉडिफिकेशन,
और दूसरा इसकी जो हॉर्न थे इसमें ये बटन अटैच करा है, ये साइड से बाइक बाहर कवर से अंदर हो जाएगा, हिडन है ये बटन। ये आपको हॉर्न की साउंड सुनाता हूँ एक बार, इस टाइम बटन बंद है, जब यहाँ से ऑन करेंगे ना तभी ये बजेंगे। एक बार दोबारा दिखाता हूँ, ये ऑन है, ये ऑफ कर दिया, आपको हॉर्न नहीं बजेंगे। अब यहाँ से बटन ऑन कर दिया, ऑन है। बाकी अब पैकिंग करते हैं इसकी। तो भाई ये हो गई अपनी सर्विस कंप्लीट। इसमें हमने एयर फिल्टर नहीं करा, एयर फिल्टर इसका मतलब 10,000 पे चेंज होता है, तो फिर रिस्टोरेशन करी थी तब इसकी क्लीनिंग कर दी थी। और जैसे डिस्क ब्रेक हैं, डिस्क पैड हैं, ये भी रिस्टोरेशन के टाइम पे हो गए थे चेंज, जो भी है सिस्टम इसका मतलब डिस्क ब्रेक का सब हो गया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं हम, वो बनाएंगे इसके बफिंग के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।